हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के पराठे या पोड़ी। ये स्पेशली मकर संक्रांति के दिन या ठंड में बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी तिल्ली, एक कटोरी गुड़, आधा कटोरी सूखा नारियल या डेसिकेटेड कोकोनट, 4-5 इलायची के दाने और 1 टीस्पून खसखस। ये है स्टफिंग के लिए। उसके अलावा 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूँ का आटा, 1 पिंच नमक और थोड़ा सा घी। अभी मैंने रखा एक पैन, उसमें मैंने डाला है तिल्ली। तिल्ली डालकर धीमी आंच पे इसको अच्छे से भून लेंगे। ये पराठे तिल और गुड़ के स्पेशली मकर संक्रांति के दिन बनाए जाते हैं। और तिल का इस्तेमाल ठंडी में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि तिल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अब तिल भून चुके हैं, मैं इसको रख रही हूँ साइड में, और जब तक कि ये ठंडे होते हैं हम लोग आटा बना लेते हैं। मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, उसमें मैं डाल रही हूँ आटा। मैंने 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो सिर्फ मैदा या सिर्फ आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून घी डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब इसका हम लोग एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे, जैसे हम लोग रोटी बनाते उस तरीके से। ये तिल और गुड़ की रोटी या पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम और मेहनत ज़रूर लगता है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से क्रंची और टेस्ट में बढ़िया है ही, साथ ही इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। और स्पेशली इसे हम बना के 1 हफ्ते तक यूज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सॉफ्ट डो बना लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम देखते हैं तिल्ली। तिल्ली काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने डाला है तिल्ली और खसखस। खसखस को मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप चाहो तो भुन के भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब इसी में हम लोग डालते हैं गुड़ डाल के और इलायची डाल के इसको एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। गुड़ और तिल्ली को एक साथ ग्राइंड करने से इसमें बाइंडिंग अच्छा आएगा और स्टफिंग करने में आसानी होगी। अब ये ग्राइंड हो गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर इसमें मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट कम्प्लीटली ऑप्शनल है, सिर्फ दिल और गुड़ के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर डेसिकेटेड कोकोनट डालोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अभी इसका मुट्ठी बना के देखना, अगर ऐसे मुट्ठी बन रहा है मतलब स्टफिंग परफेक्ट है। अगर मुट्ठी नहीं बनता है तो आप 1-2 स्पून पानी या घी डाल सकते हैं। अब आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, नरम हो गया, इसके हम लोग बॉल्स बना लेते हैं। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसके बॉल्स बना लेना। अब सारे बॉल्स बन के रेडी हैं, अब हम लोग इसके पराठे या रोटी बना लेते हैं। मैंने एक बॉल लिया है, उसमें हल्का सा घी लेकर इसको साइड से हाथ से ऐसे दबाते हुए फैला रही हूँ। हमें किनारे से दबाते हुए इसको फैलाना है। इस तरीके से फैलाने के बाद अभी हम लोग तिल और गुड़ का थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। मिश्रण ले के थोड़ा सा हाथ से उसको बांध लेते हैं लड्डू टाइप। इस तरीके से बनाने से पराठे बनाने में आसानी होती है। जैसे ये मैंने बॉल बना लिया, बॉल बनाकर इसको रोटी के अंदर रखेंगे। अगर ऐसा आपका बॉल नहीं बनता है तो आप स्टफिंग में 2 स्पून ऑयल या फिर वाटर भी डाल सकते हैं, ताकि उसमें बाइंडिंग आए। उसके बाद आटे में स्टफिंग भर के उसके पराठे बना लेना। अभी मैंने इसका बॉल बना लिया, बॉल बना के ऊपर जितना एक्स्ट्रा आटा था उसको निकाल लिया। फिर हाथ से मैं इसको अच्छे से गोल बना रही हूँ। गोल बनाकर थोड़ा सा आटा छिड़क कर इसका हम लोग पतला रोटी बना लेंगे। रोटी बनाते समय हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एकदम प्रेशर के साथ इसको नहीं बनाना है, एकदम हल्के हाथों से बेलना है। और बेलते समय किनारे किनारे से बेलना है, सेंटर में नहीं बेलना है। अगर सेंटर में बेलेंगे तो स्टफिंग अच्छे से फैलेगा नहीं, एकदम किनारे से इस तरीके से चारों ओर अच्छे से बेलना है, ताकि स्टफिंग अच्छे से फैल जाए। अब ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब आप इसको जितना ठीक रखना चाहते हैं, मोटा पतला, उसके अकॉर्डिंग आप इसे बेल के रेडी कर लेना। अब ये रोटी बन के रेडी है, मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। अब इसे निकाल कर इसे हम लोग सेक लेंगे, और इसी तरीके से हम लोग सारी रोटियों को भी, पराठों को भी बेल लेंगे। अभी मैंने तवा रखा है, तवा गर्म हो गया, इसके ऊपर मैंने डाला है घी। घी डालकर अभी हम लोग पराठा डालकर इसे ऊपर नीचे अच्छे से क्रिस्पी होते तक सेक लेंगे। जब ये सिकता है, गुड़ अंदर से पिघल कर कैरमलाइज होकर इसमें बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आता है। अभी मैंने इसको अच्छे से पलट लिया है, पलट के इसी तरीके से ऊपर नीचे पलटते हुए हम लोग सेक लेंगे। ये खाने से मेटाबॉलिज्म तो अच्छा रहता ही है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है,
ठंड में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसे बनाकर हम लोग 3 से 4 दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है। अब ये बन के रेडी है, मैं इसे निकाल रही हूँ। अब इसी तरीके से हम लोग सारे पराठों को सेक लेते हैं। इस मकर संक्रांति आप इसे ज़रूर ट्राई करें। संक्रांति नहीं, इसे हम ऐसे भी बना के खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्रंची है, क्रिस्पी है और नटी है। अब सारे पराठे बनके रेडी हैं, मैं आपको एक काट कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। तो इस मकर संक्रांति आप भी ये क्रिस्पी, टेस्टी, यम्मी, क्रंची तिल गुड़ पराठे या तिल गुड़ पोड़ी ज़रूर बनाइए। और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।